हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ई इनवॉइसिंग के टॉपिक पर। ये ई इनवॉइसिंग अब स्मॉल बिजनेस से भी एप्लीकेबल होगा और इसमें 5 करोड़ की लिमिट को जो भी बिजनेस क्रॉस करेगा, 5 करोड़ के टर्नओवर की लिमिट को 2017-18 से अगर पिछले सालों में भी अभी किया होगा तो उस पर 1 अगस्त से, मतलब 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा। तो ये ई इनवॉइसिंग का 6th फेज़ है जिसमें ऐसे अपनी लिमिट को कम करते 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 5 करोड़ के टर्नओवर पे लेके आए हैं कवरेज के लिए। पहले ये 500 करोड़ था, फिर 100 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 20 करोड़, ऐसे कर करके फिर 10 करोड़ और फिर ये 5 करोड़ पे आए हैं। अब ये ई इनवॉइस एप्लीकेबल किस पे है, कुछ क्वेश्चंस हैं ई इनवॉइस को लेकर, तो हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करंट लिमिट फॉर ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग की करंट लिमिट क्या है? अभी तो 10 करोड़ है लेकिन 1 अगस्त 2023 से 5 करोड़ की हो जाएगी। मतलब ऐसे लोग जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको भी ई इनवॉइसिंग करनी होगी, ठीक है। इज ई इनवॉइस मैंडेटरी फॉर अ 5 करोड़ टर्नओवर, जिनका 5 करोड़ टर्नओवर हो जाएगा, 5 करोड़ अगर क्रॉस नहीं भी करता है, अगर 5 करोड़ भी हो जाता है तो क्या उनको ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है, ज़रूरी है? तो आंसर है यस, ई इनवॉइसिंग जरूरी है 1 अगस्त 2023। वो हु इज़ एलिजिबल फॉर एन ई इनवॉइस इन 2023। तो सेम फिर वही इसका रिप्लाई होगा कि 2023 में पहले 10 करोड़ वाले कवर थे लेकिन 1 अगस्त 2023 से 5 करोड़ वाले भी कवर हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ई इनवॉइसिंग सभी केसेस में एप्लीकेबल है या ई इनवॉइसिंग कब एप्लीकेबल है? तो देखो, ई इनवॉइसिंग टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स और जो बिल ऑफ सप्लाई, जो कंपोजिशन स्कीम वाले लोग होते हैं, बिल ऑफ सप्लाई में भी ये एप्लीकेबल होगा। नाउ द ई इनवॉइसिंग सिस्टम किस किस ट्रांजेक्शन को कवर करता है? तो ई इनवॉइसिंग सिस्टम जो है वो B2B ट्रांजेक्शन को कवर करता है। मतलब ई इनवॉइसिंग B2C के लिए नहीं है। इसमें तो अभी भी इस लॉ में थोड़ा सा फ्लॉ है, जहाँ पे हो सकता है फ्यूचर में B2C या बिजनेस टू कस्टमर के ट्रांजेक्शन को भी कवर करेंगे, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ B2B को ही कवर किया गया है ई इनवॉइसिंग के लिए। इसका मतलब ये कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन B2C है तो आपको ई इनवॉइस B2C के केस में इशू करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है B2G, मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट, तो वो भी कवर्ड रहेगा बिजनेस टू गवर्नमेंट के केस में। एक्सपोर्ट सेल कर रहे हैं तो भी कवर रहेगा, लेकिन वो भी एक्सपोर्ट सेल B2B के केस में, ठीक है। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। बैंकिंग के लिए कवर नहीं है, जो बैंक इंस्टीट्यूशंस हैं वो छोटे छोटे चार्जेस लेते रहते हैं, उनके लिए भी कवर नहीं है। या जो SEZ में ऑपरेट कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी नहीं है, ठीक है। अब ई इनवॉइसिंग का असर क्या होगा कि अगर ई इनवॉइसिंग आप करोगे तो GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेटेड डाटा हो जाएगा, ठीक है। अब ई इनवॉइसिंग करने के लिए कितने तरीके हैं? अगर आपका ERP सॉफ्टवेयर है तो उसमें आप इंटीग्रेट कराओ इस सिस्टम को, अदरवाइज ई इनवॉइसिंग का पोर्टल है einvoicing.gstgov.in। आप ई इनवॉइसिंग का सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उस पर आप बल्क जनरेशन टूल डाउनलोड कर लेना, वो जेसन फोल्डर होता है, एक्सेल बेस्ड होता है, जेसन फोल्डर उससे क्रिएट होता है एक्सेल बेस्ड से, और फिर उसको आप अपलोड कर सकते हो। अब और कुछ कॉमन सवाल है, देख लेते हैं क्या क्या है। इज इनवॉइसिंग कंपलसरी हमने डिस्कस कर लिया है, ओके। अब कुछ इश्यूज हैं ई इनवॉइसिंग को लेकर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हमने पहले ही देख लिया कि हम जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अब ये 1 अगस्त से होगा, तो लोग थोड़े से पैनिक हो गए हैं कि क्या हमारे केस में भी एप्लीकेबल होगा। तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो B2C के केस में बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है अभी। और B2C केस में QR कोड एप्लीकेबल होता है, और QR कोड के लिए 500 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए टर्नओवर, तब QR कोड एप्लीकेबल होगा। ई इनवॉइसिंग तब भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि ई इनवॉइसिंग कभी B2C केस में होगा ही नहीं, अभी एज ऑफ नाउ नहीं है, क्योंकि GST धीरे धीरे कंप्लायंस को ऐसा बनाना चाहती है गवर्नमेंट कि भाई अच्छे से उसकी कंप्लायंस हो सके, GST लॉ में कोई ज़्यादा फ्रॉड ना कर सके, ठीक है। तो अभी भी एक थोड़ा सा इशू है
B2C के केस में जो ई इनवॉइसिंग नहीं हो रही तो वहाँ पे लोग ITC और में, क्योंकि वहाँ पे तो अनरजिस्टर्ड को भेजते तो ITC का केस आता नहीं है, बट फ्यूचर में उसको भी कवर कर सकते हैं। तो ई इनवॉइसिंग को लेकर ये सारे थोड़े से क्वेश्चंस थे, सिंपल क्वेश्चंस थे, वो मैंने डिस्कस किए इस वीडियो में। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कोशिश करूँगा उस चीज़ को भी एलोब्रेट करने की, एक्सप्लेन करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही जो प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उनका कोशिश करूँगा जवाब देने की या आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपको मिल जाए। तो थैंक यू, बाय बाय।